तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे विजिट ट्री के बारे में, कि किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपके एप्लीकेशन में जितना भी सब माल मसाले लिखा हुआ है इसका क्या क्या मतलब है, और किस तरीके से आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो, और क्या क्या इसमें समझने का काम है वो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यार, विजिट ट्री, जैसे कि मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि भैया विजिट क्या होती है। तो विजिट यार मैं बता चुका हूं आपको काफ़ी बार पिछले वीडियोस में भी कि भाई विजिट क्या होती है। विजिट आपकी सिंपल सी क्लास होती है, जैसे कि ये आपकी क्लास है, जब भी क्लासेस का नाम क्या है, माई ऐप, ठीक है, माई ऐप लगा एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कर रहा है, इससे इनहेरिट कर रहा है स्टेटलेस विजिट से, एक स्टेटलेस विजिट नाम की एक क्लास है जिससे ये क्या कर रहा है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड तो कर ही रहा है और साथ ही में इसके अंदर कुछ और भी चीज़ लिखी है उसको लिख रहा है, ठीक है। और इन ओवरराइड लगा हुआ है, तो ओवरराइड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ओवरराइड क्या होता है, ठीक है, आपको मैंने बताया था, आपको मैंने ओप्स की जब हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ओवरराइड क्या होता है। दोस्तों ओवरराइड जो है हमारा था पॉलीमॉर्फिज्म का जो हमारा यहाँ पर फीचर मिलता है वो उसमें हम ओवरराइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको विजिट्स के बारे में बता रहा था। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ अगर यहाँ पर एप्लीकेशन का थोड़ा सा देखोगे तो आपको यहाँ पर एक फाइल दिखेगी मिंटो डॉट। पहले तो हम फाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ विजिट वगैरह में आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रही है dart_tool, ठीक है। तो ये दोस्तों ये होती है जिसकी मदद से हम जो है यहाँ पर जिसके आपको दिख सकता है डार्ट पैड जो वेब का प्लगइन रहता है, देन ये जितनी भी चीज़ें होती है दोस्तों ये हमारे वेब में जब आप उसको रन करते हो तब काम आती है। देन जो डॉट आइडिया लाइब्रेरी है ये खुद एंड्रॉयड स्टूडेंट जनरेट करवाई है, ठीक है, ये इसके काम की है, हमारे काम की नहीं, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे काम की दोस्तों ये एंड्रॉयड वाली जो आप एक डायरेक्टरी देख लो, अगर आपने कभी एंड्रॉयड नेटिव एप्लीकेशन पर काम करा होगा तो जब आप उसको रन करते हो तो आपको सिर्फ इतनी फाइल्स मिलती है यहाँ से लेके तो यहाँ तक की, ठीक है। तो ये इतनी फाइल्स यहाँ पर जनरेट करा कर रखता है और इसमें सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी फाइल्स होती हैं, लाइक ग्रेडल फाइल्स होती है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद में मेन फाइल्स के अंदर जावा फाइल्स होती है, देन उसके बाद में रिसोर्सेज की फाइल्स होती हैं, मैनिफेस्ट फाइल होती है, सारी फाइल्स होती है जो भी आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कंपाइल करने के काम में आती है, ठीक है। तो वो सारी फाइल्स इसके अंदर है। देन उसके बाद में जो डॉट बिल्ड है ये जो हमारे वेब एप्लीकेशन के काम में आती है, ठीक है। देन उसके बाद में जो दोस्तों ये iOS है, ये iOS दोस्तों हमारे iOS एप्लीकेशन को कंपाइल करने में जो जो भी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती हैं, लाइक आपका यहाँ पर हो गया रनर फाइल हो गई, देन उसके बाद में आपकी ऐप डेलीगेट फाइल हो गई, ठीक है। देन उसके बाद में आपकी यहाँ पर एसेट्स फाइल हो गई, देन ये जितनी भी फाइल्स हैं दोस्तों ये आपके किसके अंदर आती हैं, ये आपकी आती है iOS फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड iOS और बिल्ड, ठीक है, ये अगर आपके पास में तो इसका मतलब कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड और iOS में कंपाइल होने के लिए रेडी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिनक्स की एक फाइल है, ये लिनक्स के एप्लीकेशन का जब आप बनाओगे तो उसके लिए सीमेक यहाँ पर फाइल दी हुई है। देन उसके बाद में यहाँ पर फ्लटर की एक अंदर से फाइल दी हुई है जिसके अंदर और सीमेक फाइल दी हुई है। तो ये लिनक्स में जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे अपने एप्लीकेशन को, तब जब कंपाइल करने के समय जो फाइल्स काम आती है वो इसके अंदर आती है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब हमने ये सैम्पल अंडरस्कोर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाया था, जब हम फ्लटर को सेटअप कर रहे थे, तब हमने सब पर टिक करा था कि हमें ये एंड्रॉइड के लिए भी चाहिए, iOS के लिए भी चाहिए, लिनक्स के लिए भी चाहिए, सबके लिए चाहिए, इसलिए यहाँ पर सारे फोल्डर बने। अगर आप सिर्फ एंड्रॉइड को सेलेक्ट करोगे तो iOS, लिनक्स, macOS एंड वेब, विंडोज़, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली macOS, सिमिलरली फॉर वेब और सिमिलरली फॉर विंडोज़ आपको यहाँ पर फाइल देखने को मिलती है। देन उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक मिलता है एनालिसिस ऑप्शन, ठीक है, जिसमें आपका फ्लटर लिंट्स जो ज़रूरी होता है दोस्तों वो यहाँ पर जो इसका लिंटर होता है वो यहाँ पर इंपोर्ट होता है। देन पब स्पेक डॉट लॉग दोस्तों ये भी इसमें क्या होता है कि जो ये जो पब स्पेक डॉट यामल आपको दिख रही है ये फाइल अपने सबसे ज़्यादा काम की है। तो पब स्पेक डॉट यामल में दोस्तों जो फाइल्स होती है, जो पैकेज को जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये क्या करता है, पब स्पेक डॉट लॉक में उसको सेव कर लेता है, उसके सारे वर्जन, कहाँ से उसको डाउनलोड करा है, उसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, उसका नाम क्या है, सारी चीज़ें इसमें लॉक कर देता है, जिससे कि जब भी आप इस पैकेज को कहीं से कॉपी करके पेस्ट करो और देन पब स्पेक यामल में जाके वापस से जो वो सारी फाइल डाउनलोड करो तो इसी वर्जन की फाइल डाउनलोड हो, ठीक है। मैं बताता हूँ कि वर्जन वगैरह है और ये सब डाउनलोड करने वाला काम कहाँ से आया, जबकि डाउनलोड तो हम कर चुके हैं, तो बताता हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों पब स्पेक डॉट यामल है जो हमारी मेन फाइल है, जो हमारे कंप्लीट एप्लीकेशन को जो वो यहाँ पर डिफाइन करती है कि आपका कंप्लीट एप्लीकेशन क्या करता है और क्या क्या इसका नाम है, क्या क्या इसमें पैकेजेस इस्तेमाल है, सब बताता है। उसमें से कि नेम हो गया, इसका सबसे पहले तो यहाँ पर नेम दिया हुआ है, देन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देन ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये कमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डल है और हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसके बाद में पब्लिश है, अगर आपको pub.dev क्या होता है, चलो दिखा देता हूँ आपको लगे हाथ,
पॉप डॉट डेव कहता है। तो दोस्तों पॉप डॉट डेव समझ लो बाजार है भैया, बहुत बड़ा बाजार है जहाँ पर आपको कोड ही कोड मिलेंगे। जहाँ पर मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो आपने एक एप्लीकेशन बनाया, अब एप्लीकेशन में अब क्या होता है कि मटेरियल में स्लाइड शो आपको बाई डिफॉल्ट नहीं मिलता, ठीक है। स्लाइड शो आपको क्या चाहिए, ओके, देर मे बी सम नेटवर्क इशू जिसकी वजह से लोड नहीं हो रहा है। एनीवेज मैं भी आपको ऐसे समझा देता हूँ। तो जैसे कि अगर आपको मान लो कि भाई अगर आपको कुछ चाहिए कि भैया आप मटेरियल में स्लाइड शो नहीं होता, ठीक है, मटेरियल में आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी यूआई होती है उसमें आपके जो एनिमेटेड बटन्स नहीं होते, एनिमेटेड आइकन्स नहीं होते, ठीक है। देन उसके बाद में अगर ओटीपी आपको फेच कराना हो एसएमएस से डायरेक्टली, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर सुविधा प्रदान नहीं होती, वो सब आपको खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा पब डॉट डेव है, पब डॉट डेव पे आपके जैसे मेरे जैसे काफ़ी सारे डेवलपर्स ने वहाँ पर पैकेज बना के पोस्ट कर दिए, बोले कि ये लो इस पैकेज को ले लो, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, इसको अपने अपने प्रोजेक्ट में डाउनलोड कर लो, एंड देन उसके बाद में स्लाइड शो को जहाँ इस्तेमाल करना हुआ करो, आप बस स्लाइड शो लिखोगे और आपका स्लाइड शो बन जाएगा। स्लाइड शो करके उसमें चार पांच इमेज की URL पास कराओगे या फिर चार पांच इमेज के पाथ पास कराओगे, तो क्या होगा कि आपका जो वो स्लाइड शो चलने लग जाएगा। तो ये दोस्तों सारे जितने भी पैकेजेस रहते हैं जो पूरा बाजार है, मतलब आप जाओ, जैसे कि आपको अगर आपको घर में कुछ खाना बनाना है, ठीक है, घर में खाना बना रहे हो, घर में खाना बना रहे हो, आपको भैया चाहिए कि भाई मुझे भाई बिरयानी का मसाला चाहिए और मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, तो हो सकता हो कि आप घर पे भी बना लो, ठीक है, आप चाहो तो अदरक लो लहसुन लो कूटो उसको अच्छे से और पूरा अच्छे से बनाओ, बट क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी अदरक लहसुन का पेस्ट मिलता है, तो आप जाओ बढ़िया मार्केट में 10 रुपये दो और 10 रुपये दे के वहाँ से अदरक लहसुन का पेस्ट लाओ, उसको डाल के बढ़िया बनाओ। इससे क्या होती है, आपके समय की बचत होती है, मेहनत की बचत होती है, दिमाग कम लगता है भैया, लाइन्स ऑफ कोड कम हो जाते हैं क्योंकि हम कहीं से और चला रहे हैं। जैसे ऐसी जैसे कि अगर आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना तो बर्तन कम लगेंगे, मेहनत कम लगेगी, टाइम कम लगेगा। तो भाई सिंपल ये आपकी दुकान है भैया, आप दुकान पर जाओ कुछ भी खरीदो फ्री में, एकदम कोई भी यहाँ पर पैसा लगने का नहीं है, फ्री में सब कुछ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट लेने में तो पैसा लगता है, इसमें तो पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री में आपको जो डाउनलोड करना आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, सब बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको उसको अपने एप्लीकेशन को अगर आप खुद एक पैकेज बना रहे हो और आपको पब डॉट डेव में पब्लिश करना है तो आप इस लाइन को रिमूव कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो उसको ऐसे ही रहने दो, जो कि हमें नहीं करना है तो हम उसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपको वर्जन बताता है भैया कि वर्जन कौन सा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, देन उसके बाद में यहाँ पर एनवायरनमेंट का वर्जन बताता है कि कौन से एनवायरनमेंट में इसमें जो SDK है उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देन उसके बाद में डिपेंडेंसी बताता है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पर फ्लटर चाहिए, देन क्यूपर्टिनो आइकन चाहिए, देन इसी के नीचे दोस्तों हम क्या करते हैं अलग अलग पैकेजेस और यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आगे हम जब इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तब हम यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। देन ये डेव डिपेंडेंसीज हैं जो कि ज़रूरत होती है डेवलपमेंट में, तो फ्लटर लिंट जो हमें ज़रूरत होती है, और भी काफ़ी सारी डिपेंडेंसी हम इसमें भी इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद में यूज़ मटेरियल डिज़ाइन, अगर आपको यूज़ करना है तो आप इस पर ट्रू लगा दीजिए, और अगर नहीं करना तो आप यहाँ पर फॉल्स कर सकते हैं, बट इसको हमेशा आप ट्रू ही रहने दीजिए। देन अगर आपको दोस्तों अपने प्रोजेक्ट में कोई से इमेज लगवानी है कि भाई आप चाहते हो कि ये हमारे एप्लीकेशन के साथ में ही जाए, कहीं इंटरनेट से लोड ना हो, तो आप दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपको बताना पड़ता है pubspec.yaml को कि भैया ये इमेजेस हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है। देन अगर आपको फॉन्ट कोई सा डिफरेंट इस्तेमाल करना है तो फॉन्ट की फाइल डाउनलोड करके और उसको जो है वो अपने प्रोजेक्ट में डाल के और बता सकते हो pubspec.yaml को कि भैया ये फॉन्ट हमारे इसमें यूज़ होने वाले हैं, इस फॉन्ट का नाम जैसे कि इस फॉन्ट का नाम जो है वो ट्रेजन रहने वाला है, और इसमें फॉन्ट में ये फॉन्ट की फाइल जो इस्तेमाल होने वाली है, तो जहाँ पर भी आप फिर ट्रेजन प्रो लिखोगे वहाँ पर ये वाला फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये दोस्तों थी हमारी कंप्लीटली pubspec.yaml। pubspec.yml माने कि चौकीदार, सब पता रहता है इसको, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन कितने दिन रुक रहा है, सब इसको पता रहता है, ठीक है। तो और आपको सबको इसको बताना भी पड़ता है कि भैया क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या हमारे पास में फाइल्स है, सब आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। तो ये हमारी pubspec.yml है जो बहुत ज़्यादा काम आती है हमको, जिसका हमें इस्तेमाल भी आने वाला है। readme.md ये आपके readme, आप उसको चाहे तो एडिट कर सकते हो, बढ़िया, आप कहीं पर गिटहब वगैरह पर पोस्ट करो तो इसको आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का हमें उतना कुछ काम नहीं है, इसमें डार्ट के पैकेजेस, डार्ट के SDK और जावा रन टाइम होता है, इसका हमें कुछ काम नहीं है, और ये हमारे कंसोल्स हैं। मेन जो दोस्तों हमारा सबसे मेनली काम रहेगा वो रहेगा हमारे इस लिप वाले फोल्डर में, इस pubspec.yaml वाले फोल्डर में, इन्हीं दो फोल्डर में हम खेलते रहेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें करते रहेंगे। चलो अब बात आती है भैया विजिट्स पे, कि विजिट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये जो हमारे कमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा गैप ये क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हटा दिया, ये कमेंट भी हटा दिया, ये कमेंट भी हटा दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये हमें जैसे कि हमारी क्लास है,
ठीक है, क्लास है, क्या नाम है इसका, माय होम पेज स्टेट, जो कि एक्सटेंड कर रही है किसी एक क्लास को। सोच लो अभी कोई एक क्लास है, एक क्लास है जिसका टाइप कुछ माय होम पेज टाइप है, ठीक है। देन इसमें हमने एक डेटा मेंबर डिफाइन कराया, और डेटा मेंबर डिफाइन करने के बाद में इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो डेटा मेंबर डिफाइन करने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करा है, ठीक है। अंदर का छोड़ दो, क्या लिखा हुआ सब छोड़ दो, अभी आप बस समझो कि एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन इतना हो गया, बढ़िया। देन उसके बाद में हमने एक ओवरराइड लगाया, देन विजिट लिखा है, देन कुछ तो बिल्ड लिखा है, देन ये लिखा है। मान लो कि ये भी एक फंक्शन है जो कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक और क्लास रिटर्न कर रहा है, ठीक है, एक और क्लास रिटर्न कर रहा है। क्लास भी हम क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप कुछ इसी तरीके से बनाते थे, ठीक है। आप लिखते थे कि भैया क्लास, जैसे क्लास का नाम है क्लास नेम, तो क्लास नेम C1 इज इक्वल टू क्लास नेम, एंड देन दो ब्रैकेट लगा देते। तो अभी हमने क्या करा, डायरेक्ट इसको लिख दिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्रिएट व्रिएट नहीं करा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। देन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ऐप बार है, ठीक है। तो ये आपको जो स्कैफोल्ड है दोस्तों, ये स्कैफोल्ड क्या हो गया आपका, एक विजिट हो गया आपका, एक विजिट हो गया, कि उसको आप बोल लो कि एक विजिट है, एक यूनिट है, ठीक है, एक विजिट है। विजिट के अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी स्कैफोल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, लाइक ऐप बार है, बॉडी है, ठीक है, देन उसके बाद में फ्लोटिंग एक्शन बटन है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई। अब ये प्रॉपर्टी भी क्या करती है, जैसे कि अगर मैं इस पर होवर करूँ तो ये प्रॉपर्टी भी बोलेगी कि मुझे जो है वो एक, मैं जो लेती हूँ वो एक ऐप बार लेती हूँ। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी में लिखा कि ऐप बार चाहिए, अब ऐप बार इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या पास कराना पड़ेगा, एक ऐप बार की क्लास पास करानी पड़ेगी। तो ये ऐप बार भी क्या हो गया, आपकी एक विजिट हो गई। अब इस विजिट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, टाइटल हो गया, या इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अब ये जो पैरामीटर्स होते हैं इसमें भी विजिट पास होती है, जैसे कि टाइटल है, टाइटल में कौन सी विजिट पास हो रही है, टेक्स्ट विजिट पास हो रही है, ठीक है। अब टेक्स्ट विजिट के अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, जैसे कि एक स्टाइल नाम की आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलती है। अब इस स्टाइल नाम के अंदर आप टेक्स्ट स्टाइल नाम की विजिट को पास करा सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल नाम की विजिट को पास करा सकते हो। अब इस टेक्स्ट स्टाइल नाम की विजिट के अंदर भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर कोई सी प्रॉपर्टी बताऊँ तो कलर ही बताता हूँ, जैसे कलर है। अब कलर के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी ये वाली कलर्स नाम की, कलर नाम की एक ये विजिट पास होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो प्रॉपर्टी देती है, जिसके अंदर आप पास कराते हो। जैसे कि इसके अंदर जो आपको पास करना पड़ता है कलर, एंड देन कलर्स डॉट, एंड देन उसके बाद में कलर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन और इसके अलावा इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी विजिट के अंदर प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के अंदर फिर एक विजिट होती है, फिर विजिट के अंदर प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के अंदर फिर एक विजिट होती है। तो ये क्या होता जा रहा है, एक ट्री बनता जा रहा है, एक जो है वो आपका ट्री बनता जा रहा है, और ट्री बनते बनते जो है वो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें कुछ बोल रहा है, कलर, और हमें इसको हटाना है, और इसमें सिर्फ कलर्स पास होता है, ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक। तो अब आप देखते जा रहे हो कि भैया विजिट है, ये एक विजिट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर एक और विजिट है, इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर एक और विजिट है, उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक और विजिट है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक और विजिट है, और फिर जाके ख़त्म हो रहा है। मतलब एक ट्री बनता जा रहा है कि इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, और इस तरीके से आप एप्लीकेशन यहाँ पर बनाते हो, ठीक है। अगर मैं आपको इसका ट्री दिखाऊँ तो मुझे कहीं से विजिट ट्री मिल जाए, देखो ये रहा मेरा विजिट ट्री, ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा मेन है, मेन के अंदर माय ऐप है, माय ऐप क्या है, ये है, माय ऐप के अंदर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर माय होम पेज है, माय होम पेज के अंदर ये है, माय होम पेज के अंदर क्या है, टाइटल है, टाइटल और क्रिएट स्टेट और माय होम पेज नाम का एक चीज़ है। अब इस माय होम पेज के अंदर क्या है, एक और माय होम पेज स्टेट है, ये देखो आपको दिख रहा है माय होम पेज स्टेट। इस माय होम पेज स्टेट के अंदर क्या है, एक और बिल्ड है, इस बिल्ड के अंदर क्या है, एक स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के अंदर क्या है, एक एप्लीकेशन बार है, इस एप्लीकेशन बार के अंदर क्या है, एक टेक्स्ट विजिट है, जिसके अंदर क्या है, एक और स्टाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि विजिट ट्री बनता जा रहा है, एक के अंदर एक चीज़ें और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों विजिट का ट्री बनना, ठीक है। आप एक बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें काफ़ी बड़ा विजिट ट्री बनेगा और काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, और अभी तो ये एक ही पेज है, ये सिर्फ एक ही पेज का इतना विजिट ट्री है। आपको जब आप बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे तो आप वहाँ पर 25-30 फाइल्स के साथ में काम करोगे, तो वहाँ पर आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा विजिट ट्री बनने वाला है और कितना बड़ा आपका यहाँ पर प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो ये विजिट ट्री होता है, जैसे कि तो हमारा यहाँ पर क्या सिंपल सा रूल क्या है,
सिंपल सा समझो, ये सब ओवरराइड, विजिट बिल्ड, ये सब सब चीज़ें सब छोड़ दो इसको। अब हम जब बनाएंगे तब और अच्छे से समझाऊंगा, एक एक करके समझो, क्योंकि सारा चीज़ें एक साथ ले लोगे ना तो दिमाग जो फट जाना है आपका, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत टफ लगने लगा। अब अभी आप सिंपल एक सिंपल समझो कि भैया ये हमारा कोड है, हमको कुछ नहीं करना, हमको जो है सिंपल रिटर्न में विजिट लिखना है, विजिट के अंदर प्रॉपर्टी मिलेगी, जैसे अगर मैं इसको ओवर करूँ तो मुझे पता है इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी मिलने वाली है, ठीक है। ये देखो इतनी प्रॉपर्टीज मिलती है मुझे उसके अंदर, मुझे इसके अंदर प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी के अंदर मुझे क्लास डालनी है, क्लास के अंदर फिर प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर प्रॉपर्टी के अंदर मुझे विजिट मिलेगी, विजिट के अंदर फिर मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी के अंदर मुझे फिर विजिट मिलेगी, और कहीं ना कहीं जाके ये एंड में इस तरीके से कहीं ना कहीं जाके कलर्स कलर्स डॉट ब्लैक पर जाके खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हमें फिर कोई नहीं मिलेगी। और हो सकता है चलते भी जाए, ठीक है, कंटेनर के अंदर, जैसे कि अभी अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है सेंटर दिख रहा है, सेंटर के अंदर कॉलम है, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर आप फिर सेंटर डाल सकते हो, सेंटर के अंदर फिर आप कॉलम डाल सकते हो, कॉलम के अंदर फिर सेंटर डाल सकते हो, सब इन्फाइनाइट भी चल सकते हो, ठीक है, इन्फाइनाइट विजिट ट्री भी बना सकते हो, बट कोई नहीं, हमें क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन बनाना है, कोई लाइक ट्रेजर हंट नहीं क्रिएट करना है यहाँ पर, तो हमको सिंपल सा ये हमारा नियम है, विजिट है, विजिट के अंदर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर विजिट है, विजिट के अंदर प्रॉपर्टी है, इन सबको आप चेंज करते रहोगे, किसी के अंदर डालोगे, किसी के अंदर विजिट ट्री डालो, किसी के अंदर क्लास डालोगे, विजिट डालोगे, किसी के अंदर प्रॉपर्टी एडिट करोगे, किसी के अंदर नहीं करोगे, किसी के अंदर डिफॉल्ट यूज़ करोगे, यही सब करके हमको एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो ये दोस्तों हमारा विजिट ट्री होता है। अब अगले आने वाले वीडियो में दोस्तों हम जो है वो विजिट ट्री हमने समझा, अब अगले आने वाले वीडियो में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और एक एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ज़्यादा लोड मत लीजिए कि भैया इतना सारा मैं कैसे समझूंगा, इतना सारा मैं कैसे करूंगा, आप एक बार खाली मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, अभी जब हम एप्लीकेशन बनाना चालू करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लगेगी, कोई भी दिक्कत आपको ये नहीं है। और मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ आपके काम की है, कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है, तो किस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक चीज़ एक्सपर्टीज करनी है कि यहाँ पर ये सुपर डॉट की लिखा तो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे ये काम करता है, क्या इसका प्रॉपर्टी है, किस टाइप का है, क्यों इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तभी तो फिल्टर फ्रेमवर्क बना। अगर सभी चीज़ों पर ध्यान देना रहता तो ऑलरेडी जावा और कोटलिन तो पड़ी थी, ठीक है, जिसका हमें यूज़ करना था। तो फ्लटर फ्रेमवर्क भैया इजी टू यूज़ है, तो इजी टू यूज़ लो, जिस जो चीज़ें काम की उसको पढ़ो, जो चीज़ें काम की नहीं है उसको जान लो और छोड़ दो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा या नहीं ये उसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बट ट्रस्ट मी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और जैसे जैसे आप यहाँ पर करते चलोगे चीज़ों को, वैसे वैसे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम सही से समझ में आने लग जाएंगी, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे और इसके बारे में और कोड करेंगे और हमारा एप्लीकेशन बनाएंगे पहला। तब तक के लिए बाय बाय।